नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल विदर्भ के दौरे पर, दीक्षा भूमि में दर्शन कर पत्रकारों से साधा संवाद। आपसी झगड़ा सुलझाने गए एक युवक की गई निर्ममता से हत्या। और संजय गांधी निराधार योजना लाभार्थियों की मांगों के लिए आंदोलन, निराधार के लिए भाजपा उतरी सड़क पर। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल विदर्भ के दौरे पर है। नागपुर पहुंचकर उन्होंने पवित्र स्थल दीक्षा भूमि में जाकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल विदर्भ के 3 दिवसीय दौरे पर है। गुरुवार को उनका नगर आगमन हुआ। उन्होंने सबसे पहले पवित्र स्थल दीक्षा भूमि में जाकर दर्शन किए। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह अब कहां है, इस सवाल पर वलसे पाटिल ने बताया कि उन्हें इस मामले में कुछ पता नहीं है। साथ ही प्रदेश के मंत्री नवाब मलिक द्वारा एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी वलसे पाटिल ने इतना ही कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वलसे पाटिल ने कहा कि पुलिस आरोपियों की खोज कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही पुलिस कर्मचारियों को उन्होंने उत्साहित किया, उनके काम की सराहना की। इस दौरान राकाबा के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, प्रशांत पवार आदि मौजूद थे। या केंद्राच्या ज्या सगळ्या एजन्सीज आहे त्याचा इतका ब्लॅटंटली उपयोग करून राजकीय विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याच्या संदर्भामध्ये किंवा नामोहरम करण्याच्या संदर्भामध्ये या पूर्व काळामध्ये कधी वापर झालेला नव्हता आणि अशा प्रकारचा वापर योग्य आहे असं मला काही वाटत नाही। सर, फोन टॅपिंग प्रकरणावर नाही, पोलीसचं मॉरल वाढवण्यासाठी आता मी हे याचं नियोजन केलेलं आहे की सगळ्या विभागामध्ये जाऊन त्याच्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची, जिल्ह्याच्या लेवलच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणं, त्याच्यामध्ये त्यांचा कामाचा आढावा घेणं, त्यांच्या अडचणी समजून घेणं आणि त्यांना जे प्रोत्साहित करणं आहे किंवा जे त्यांना ज्या आवश्यकता आहेत त्या पूर्ण करून त्याच्यामधून त्यांच्याकडून चांगलं काम करून घेणं। आज नागपूर विभागाची बैठक आहे, उद्या अमरावतीला अमरावती विभागाची बैठक। नागपूर कायदा आणि सुव्यवस्था त्याच्या संदर्भात मी जरा एकदा आज बैठक झाली की मग परत तुमच्याशी बोलेन। नागपूर शहर में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को 5 पौली थाना क्षेत्र में हुई हत्या के कुछ ही घंटों बाद कलमना थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है। झगड़ा सुलझाने गए युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आरोपी भारत राजू हिरवानी, आरोपी के पिता और उसके भतीजे जितेंद्र राजू हिरवानी दोनों में पारिवारिक झगड़ा चालू था, जिसकी जानकारी आरोपी के पिता ने अपने बेटे भारत को फोन करके दी। उसके बाद वह घटनास्थल आया और शराब पीकर गाली गलौज करने लगा। उसे गाली गलौज करता देख पड़ोसी मृतक 28 वर्षीय मुरली और उसका बड़ा भाई कमलेश बाहर आए और आरोपी को समझाने लगे, गाली गलौज मत कर, परिसर में महिलाएं हैं। यह बात सुनते ही आरोपी ने मृतक मुरली के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिसमें इलाज के दौरान मुरली की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों को जो समस्याएं हो रही है उसके विरोध में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में संजय गांधी निराधार योजना के वंचित लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगभग 5 बार ज्ञापन दिया गया है, फिर भी अब तक इस मामले में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन किए जाने की बात भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने कही। इस बीच उन्होंने कहा कि निःशुल्क बिजली से लेकर किसानों को दिए हुए वादों तक सरकार के सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। ये सरकार नागरिकों के हित में कुछ भी नहीं करना चाहती, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। आज संजय गांधी निराधार योजनेचे जे लाभार्थी आहेत, ज्यांना हे सरकार त्रास देता गेल्या 2 वर्षापासून, दिव्यांगांचा निधी नाही, विधवा महिलांचा निधी नाही, ज्या ज्येष्ठ महिला ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांचा वेळेवर निधी नाही,
आर्थिक पुरावा दरवर्षी मागण्याची जाचकट, दिव्यांगांचा पुरावा दरवर्षी मागण्याची जाचकट, या सगळ्या अटींमुळे दोन दोन वर्षापासनं या कोविडच्या काळात या हरामखोर सरकारने यांना निधी दिला नाही. आम्हाला वाईट वाटतं या सगळ्यांना आज ते बोलवावं लागलं, पण याच्याशिवाय पर्याय नाही. आम्ही 5 वेळा कलेक्टरला भेटलो, 5 वेळा. माननीय बावनकुळे साहेब असतील, आमचे सगळे आमदार मंडळी असतील, या सगळ्यांना घेऊन, पण या सरकारला जाग येत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून आज मोर्चा काढण्याची पाळी आली आहे. आणि या मोर्चानंतरही जर यांना जाग आली नाही तर आम्ही जो कायदा हातात घ्यावा लागला त्याला सर्वस्वी हे सरकार जबाबदार असेल. काल आनंद फानंदमध्ये माननीय पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली. दोन दोन वर्ष झाले, समित्या तयार नाही. आणि माझी माहिती आहे ती 100% खरी नसल्यामुळे मी तुम्हाला पूर्ण यांनी सांगत नाही, पण मी ती सांगतोय की या महाविकास आघाडीच्या 2 वर्षात माझी माहिती अशी आहे की एकही नवीन लाभार्थी नाही. ती तपासावी लागेल. इतकं दुर्दैवी सरकार आहे. कोरोनाच्या काळात मदत करणं हे भाग आहे, माणसं जगवणं हे महत्त्वाचं आहे. यांना नवीन गाड्या घेण्यासाठी पैसे आहेत, यांना इतर खर्च करण्यासाठी पैसे आहे, पण या गरिबांसाठी पैसे नाही. त्यामुळे आम्ही आज मोर्चा काढतो आहे. हा शांततेत निघेल, पण याच्यानंतर जर सरकार जागलं नाही तर संघर्ष रस्त्यावर होईल, कायदा हातात घ्यावा लागेल. या गरिबांसाठी तो आम्ही घेऊ, जेलमध्ये जाऊ, पण शेवटपर्यंत संघर्ष करू. त्यामुळे आजच आम्ही इशारा या सरकारला देतो. डिफेंस क्षेत्र में युवाओं को मिलने वाले रोजगार और उससे जुड़े लाभ के बारे में शुक्रवार को लेफ्टिनेंट जनरल निंभोरकर अकेडमी द्वारा आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी गई. इस दौरान युवाओं के लिए नए रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया. इस वर्ष पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव जोश और उत्साह के साथ मना रहा है. हम सभी इस ऐतिहासिक वर्ष के साक्षी है. हमारे युवा हमारा भविष्य लिखने वाले है, लेकिन बेरोजगारी का राक्षस धीरे धीरे हमारे युवाओं को प्रभावित कर रहा है और उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से दूर कर रहा है. महाराष्ट्र में लगभग 48 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन अपंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या अभी भी अधिक है. विदर्भ में 6 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवा है. युवा ऊर्जा को चैनलाइज करने और पारंपरिक लोगों के अलावा उनके लिए नए रोजगार तलाशने की सख्त जरूरत है. ऐसी जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल निंभोरकर अकादमी की ओर से आयोजित पत्र परिषद में दी गई. इस अवसर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुनील गोपांडे ने डिफेंस एग्जाम में होने वाली विविध प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी साझा की. आमच्या सगळ्यांच्या बोलण्यामध्ये मागच्या एक तासभरात हे एक प्राणपुकाने आम्ही तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला, आणि तुमच्या थ्रू मीडिया हा आपण नेहमी म्हणतो की सोसायटीचा 4th पिलर आहे, त्यांनी लोकांपर्यंत हे पोहोचवावं. सैन्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला सगळ्या ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. एज्युकेशन स्टँडर्डनुसार 10वी, कुणी 12वी असतं, इंजिनिअरिंग झालेलं असतं, कुणी आर्ट्स ग्रॅज्युएट असतो, सगळ्यांना ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि सैन्याच्या एक टिपिकल लाईफस्टाईलबद्दल बऱ्याच मुलांना माहिती नसतं. असं असतं की आपण घरापासून बाहेरच राहावं लागेल आयुष्यभर. ती रिक्वायरमेंट आहे, राहावं लागेल, कदाचित अर्ध आयुष्य राहावं लागेल, पण त्याच्यासोबत तुम्हाला काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत, तुम्हाला तुमचं फर्दर एज्युकेशन करता येतं, तुम्हाला तुमचे काही आवडी असतात, जसं आपण उदाहरणार्थ 1-2-3 उदाहरणं बोललो एक मागच्या तासभरात, ते तुम्ही परसू करू शकता, त्याला तुमचे स्किल्स तुम्ही आणखी करू शकता. आणि ह्या सगळ्यासाठी गव्हर्नमेंट तुम्हाला फॅसिलिटी देतं. आपल्या विदर्भातल्या मुलांना जे आपल्या सगळ्यांना प्रामुख्याने जाणवलं वारंवार की लोकांना थोडीशी अवेअरनेस नाही आहे, माहिती नाही आहे, ती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे आमच्या इन्स्टिट्यूटचं काम आहे. आणि हे करावं, आपल्या विदर्भातल्या मुलांना माहिती द्यावी आणि इनडायरेक्टली त्यांना प्रवृत्त करावं डिफेन्समध्ये जॉईन करण्यासाठी बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन, हा आमचा सगळ्यात मोठा हेतू आहे. हे इन्स्टिट्यूट सुरू करण्यामागं तुम्हा सगळ्यांना आज बोलावणं, तुमच्याशी इंटरॅक्ट करणं, त्याचा फायदा हा व्हावा की आपल्या तुम्ही 25 लोकांना आणखी सांगा. एक आम्ही आत्ता 4 दिवसाचा 25-25 मुलांची एक बॅच घेतो आहे, त्यांना इन्फॉर्मेशन देत आहे, कॅप्सूल कोर्स करतो आहे, आणि इव्हेंच्युअली त्यांना आम्ही प्रिपेअर करून घेऊ. मुलं मुली आपल्या विदर्भातले कमी कुठेच नाही, पण प्रिपेअर कसं करायचं त्याच्यासाठी ते आम्ही आमचा हा इन्स्टिट्यूट सांगेल, तुम्हाला तयार करून घेईल, हा त्याचा मागचा महत्त्वाचा हेतू आहे आमचा. 30 अक्टूबर तक संजय गांधी निराधार योजना का अनुदान जमा होगा, ऐसी जानकारी पालकमंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दी. जिला स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. नागपुर जिले के निराधार लोगों को हर महीने मिलने वाले संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का सितंबर 2021 तक मिलने वाला अनुदान 30 अक्टूबर तक दिवाली के पहले मिलेगा. इसके लिए प्रशासन ने तैयारी करने की जानकारी जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दी. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के जिला स्तरीय बैठक में वो बोल रहे थे.
योजना संबंध में समिति पर नियुक्त किए गए सदस्यों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक ली गई। इस बैठक में पालक मंत्री ने बताया कि निराधार योजना का अनुदान 30 अक्टूबर तक बैंक में जमा होगा। इस बैठक में जिलाधिकारी विमला आर, संजय गांधी निराधार योजना के समन्वयक, तहसीलदार चैताली सावंत, समिति के अध्यक्ष दीपक खोबरागड़े, जुल्फिकार अहमद भुट्टो, सागर सतीश चौहान, आशीष बबन कटारे, श्रावण खापेकर आदि उपस्थित थे। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजनी थाना अंतर्गत विंडकर कॉलोनी हनुमान मंदिर के सामने एक घर में चोरी करने वाले कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से 2,53,000 का माल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विंडकर कॉलोनी निवासी गौरव गजानन बुटले के घर गणेश जी की स्थापना होने से शिकायतकर्ता गौरव और उसका परिवार घर के नीचे वाले हॉल में सो रहे थे। उसी दौरान आरोपी सत्यम उर्फ अनुराग बालू रामानंद तिवारी ने रात में ऊपर की मंजिल पर चढ़कर अलमारी में से सोने चांदी के जेवर और नगद ऐसे कुल 26,500 रुपए का माल पर हाथ साफ कर दिया। शिकायतकर्ता के पिता सुबह ऊपर गए तो उन्हें अलमारी खुली दिखी और कपड़े बाहर पड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने इसकी जानकारी अपने बेटे को दी, जिसके बाद बेटे ने अजनी पुलिस में चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई थी। वहीं गुरुवार को अजनी पुलिस कलोड़ी महाविद्यालय के पास गश्त लगा रही थी, उसी समय उन्हें एक युवक संदिग्ध स्थिति में दिखाई दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसकी तलाशी ली तो उसके जेब में से एक मोबाइल मिला। मोबाइल के बारे में पूछने पर वह कोई जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सत्यम उर्फ अनुराग बालू रामानंद तिवारी बताया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने लाया और कढ़ाई से पूछताछ करने पर उसने विंडकर कॉलोनी में चोरी करने की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से 2,53,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस स्टेशन अजनी अंतर्गत 19/10/2021 को एक एचबीटी का गुना दाखिल हुआ था। कंप्लेनेंट गौरव गजानन बुटले, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज किया था, इनमें 26,500 रुपए का मुद्देमाल चोरी गया था। कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हमने सत्यम अनुराग उर्फ बालू रामानंद तिवारी के एक्यूज को अरेस्ट किया था। पीसीआर दरमियान उसने और 4 गुने जो अजनी पुलिस स्टेशन में हुए थे उनकी भी कबूली दिया है। ये पूरे तहकीकात के दौरान आरोपी ने 2,53,400 रुपए का मुद्देमाल निकाल के दिया है और ये जो आरोपी है उसका पुराना रिकॉर्ड भी नागपुर शहर में दर्ज है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक आघाड़ी पूर्व नागपुर भाजपा, रत्नदीप नंदनवन हनुमान व्यायामशाला और स्वामी विवेकानंद कला योग युवक क्रीड़ा मंडल द्वारा जिन नागरिकों ने अपनी आयु के 75 वर्ष पूर्ण किए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये मुस्लिम बांधव हमें श्री अयूब खान, श्री नूर मोहम्मद, श्री शेख अबीब।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में विविध जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत वरिष्ठ नागरिक आघाड़ी पूर्व नागपुर भाजपा रत्नदीप नंदनवन हनुमान व्यायामशाला और स्वामी विवेकानंद कला योग युवक क्रीड़ा मंडल द्वारा जिन नागरिकों ने अपनी आयु के 75 साल पूरे किए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों सत्कार किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को जो समस्याएं आ रही है उनके बारे में केंद्रीय मंत्री गडकरी को बताया गया। इस दौरान गडकरी ने बताया कि समारोह के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को जो अनुदान मिलता है वो 1.5 साल से नहीं मिला है, ऐसे कई मुद्दों को उठाया गया। ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनामध्ये आनंद कसा निर्माण होईल, त्यांच्या जीवनामध्ये समाधान कसं निर्माण होईल, घरामध्ये आनंद मिळाला पाहिजे आणि घराच्या बाहेर देखील आनंद मिळावा। मी नेहमी एक कविता मला खूप आवडते ती मी नेहमी सगळ्यांना सांगतो की घर असावे घरासारखे, नको तर नुसत्या भीती, घर असावे घरासारखे, नको तर नुसत्या भीती, घर असावे घरासाठी शब्द अर्थ असावा नको दृष्टी वाढे झिरपावे नको दृष्टी, या शब्दाला अर्थ असावा नको दृष्टी वाढे। म्हणजे फर्निचर मध्ये नाही आहे, फर्निचर मध्ये नाही आहे घराचं घर, पण काय खायला। गोंदिया जिले के ग्राम चुरडी में हुए बिसेन सामूहिक हत्याकांड में न्याय की मांग करते हुए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की गई, साथ ही हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की गई। गोंदिया जिले के ग्राम चुरडी में हुए बिसेन सामूहिक हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस स्टेशन का घेराव कर सत्यता सामने लाने का प्रयास किया गया था। तब 15 दिन का समय पुलिस विभाग द्वारा मांगा गया था। इसके बाद भी अब तक कोई भी जानकारी पुलिस विभाग द्वारा परिवार या संगठन को नहीं दी गई। इस घटना की जांच को आगे बढ़ाने हेतु यशवंत गुड्डू राहंगडाले तथा पोवार समाज के विविध संगठन ने मिलकर महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इनसे मुलाकात की और इस प्रकरण की जानकारी दी और न्याय की मांग की। इस दौरान बिसेन परिवार के लोग भी उपस्थित थे, साथ ही यशवंत गुड्डू राहंगडाले, एडवोकेट माधुरी राहंगडाले, मोतीलाल चौधरी, कौशिक चौधरी, सुनील बिसेन, पृथ्वीराज राहंगडाले, धारा सिंह कटरे, लीलाधर पटले, छगन राहंगडाले, हिरदीलाल ठाकरे, सुनील पटले, शिवकुमार पारधी, माणिक पारधी, जवाहर पटले, सुधाकर बिसेन, प्रफुल्ल बिसेन, विजय पटले, पुनाराम गौतम, लीलाधर पटले, जय सिंह पटले, मोरेश्वर चौधरी, लोकेश चौहान, गणेश पारधी उपस्थित थे। सावनेर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बोरगांव ग्राम में मार्ग निर्माण कार्य में लगे एक युवक की घटनास्थल पर ही 2 टुकड़ों में कटकर मौत हो गई तो वही दूसरा गंभीर जख्मी है। तेज रफ्तार के चपेट में आने से यह हादसा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 32 वर्षीय सचिन नत्तू कुंभारे बोरगांव निवासी और उसका सहकर्मी 50 वर्षीय युवराज महादेव वानखेड़े भाया कलमेश्वर गौंडखेरी फोरलेन मार्ग का निर्माण कार्य में काम कर रहे थे। इस मार्ग का काम अंतिम पड़ाव में है जिसे DBL कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। गुरुवार 21 अक्टूबर की रात 9:30 बजे के दौरान दोनों व्यक्ति कंपनी के ट्रक क्रमांक MP39 AH 696 में रखे जनरेटर के उजाले में सर्विस मार्ग पर कुछ काम कर रहे थे। उसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर क्रमांक MP13 GB 1707 के चालक ने DBL कंपनी के ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी जिसकी चपेट में दोनों व्यक्ति आ गए। इस दुर्घटना में सचिन का शरीर 2 टुकड़ों में बटने से उसकी जगह पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवराज को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल नागपुर रवाना किया गया। वहीं सचिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल सावनेर पहुंचाया गया। उपरोक्त घटना की जांच थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में पुलिस सिपाही अनिल तिवारी कर रहे हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।